के एक पिक्चर ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, विद अ स्माइल। क्या करूं, क्या करूं मैं? मुझे क्या, मैं तो चलके मानव को ढूंढती हूँ। ओह, ये बच्चे भी निकल गए। हाँ, और ये काल चित्र यंत्र भी गीला हो गया है, अब हमें पहले इसे सुखाना पड़ेगा। चलो महर। मोंटू, कहाँ हो तुम लोग? नीचे नीचे देख। अरे तेरे सामने। हाँ। मैं खरगोश बन गया हूँ महर। और मैं भी। क्या? उस मोबाइल जैसे दिखने वाली चीज से उसने हमारा फोटो खींचकर हमें खरगोश बना दिया। मानव, तू और खरगोश, और ये मोंटू भी, ये सब क्या हो रहा है? बोल ना मानव। बापूजी, अब क्या करें? अरे बेटा, अब तक तो है ना सिर्फ मेरा शरीर अटकता था, लेकिन अभी तो मेरा दिमाग भी अटक गया है। कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करूं। बापूजी, हर बार एंड टाइम पे आपका दिमाग अटक जाता है। आइडिया, हम ना बिल्ली को लेकर आते हैं। हाँ माँ, क्या आइडिया है, लेकिन एक बिल्ली से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी बिल्लियां लानी पड़ेगी। हाँ बेटा, वो बिल्लियां हैं, वो बिंदिया नहीं है कि मार्केट गए और लेके आ गए। कहाँ से आएंगी, तुम्हारे मायके से? देखिए, मेरे मायके को बीच में मत डालिए। हाँ, डालना है तो तेरे बापूजी को डाल। नहीं, चूड़ी के बीच में। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप बीच में आइए और ये मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बताइए। बापूजी, मेरे पास एक आइडिया है। इतने सारे बिल्लियां नहीं आ सकती, लेकिन एक सांप आ सकता है। मैंने टीवी में देखा था कि जब भी एक सांप आता है ना, तो सारे चूहे भाग जाते हैं। क्या बात है रॉकी, क्या बात है रॉकी, क्या आइडिया दिया है रॉकी। बस अब तो ये सांप ही हमें चूहों से बचाएगा। लेकिन यहाँ सांप आएगा कैसे? बाबूजी, अपने बल्लू है ना, बल्लू, हाँ। उसके चाचा जी है ना, उनके बड़े भाई जो है वो पार्ट टाइम सपेरे का काम करते हैं। अच्छा? आओ बाबूजी, यहाँ बाजू की बस्ती में ही रहते हैं। हाँ। अरे वाह, मतलब इस होटल में बहुत सारे डायने घूम रही है और वो अपने जादुई मोबाइल से फोटो खींच खींच कर बच्चों को खरगोश बना रही है। हाँ मैं, ये डायने बहुत खतरनाक हैं और बुरी भी। देखो ना, मैं ठीक से खा भी नहीं सकता। मोंटू, मैंने तुझे पीट दूंगी, हम इतने बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए और तुझे खाने की पड़ी। ये सब भी बचे होंगे,
जिन्हें डायनो ने फोटो खींचकर खरगोश बना दिया है। अरे बनाना ही था तो मुझे शेर बनाते, एटलीस्ट सब बच्चे तो डरते मुझसे। मोंटू, डरना तो हम सब बच्चों को चाहिए। बालवीर कुछ कर सकते, मैं एक काम करती हूँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है? परी, इस बार हमारी लड़ाई एकादृश्य शत्रु से, हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन सी बुरी शक्ति है जो धीरे धीरे अपने बुराई का जाल फैला रही है, और इसीलिए हमें सावधान रहना होगा और इस बुराई से लड़ने के लिए एक रणनीति बनानी है। इसीलिए सबसे पहले नाराज परी आप परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाएंगे। जी रानी परी। हाँ रानी परी, वरना हमें डर है कि कहीं वो बुरी शक्ति परीलोक पे ही वार न कर गई। हाँ रानी परी, हमें दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए, हो सकता है कि वो हमारा ध्यान भटका कर परीलोक में घुसना चाहता हो। हाँ परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही, नाराज परी आप परीलोक की सुरक्षा को बढ़ा दीजिए। जी रानी परी। और अटकाती परिया, रिजदार परिया, अब नटखट परी की प्रयोगशाला में जाइए और वहां जाकर ठीक से छानबीन कीजिए, हर यंत्र को ठीक से परखिए, उसमें से देखिए कि कौन सा यंत्र हमारे काम आ सकता है। जी बालवीर। महर मुझे ऐसे क्यों पुकार रही है? लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में। रानी परी, मुझे तुरंत ही पृथ्वीलोक पर जाना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी आज्ञा था। बुला रहा है बालवीर को? नहीं छोड़ूंगी। जिस भी बच्चे ने बालवीर को आवाज दी है, नहीं छोड़ूंगी। बालवीर! क्या हुआ मेहर? बालवीर, अच्छा हो तुम आ गए। क्या हुआ मेहर, पर तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बालवीर, मोबाइल जैसे दिखने वाली चीज से उसने हमारा फोटो खींचकर हमें खरगोश बना दिया। बच्चों, क्या मैं तुम्हारा एक फोटो खींच सकती हूँ? ये जरूर वही डायन है जिसने मानव और बाकी बच्चों को खरगोश बनाया है। बोलो मैं, क्या हुआ? कैसे बताऊं बालवीर, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हारे पीछे खड़ी वो डायन उन बच्चों को खरगोश बना देगी। मैं, तुम रुक क्यों गई? मैं बताओ जल्दी। केक और पेस्ट्रीज। हाँ, इस होटल में ना केक्स और पेस्ट्रीज बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने इतने अच्छे केक और पेस्ट्री कभी नहीं चखे, तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों खाऊं, इसलिए मैंने तुम्हें भी बुला लिया। बस में, बस में, बस में, बस में, बस में। बहुत हो गया, तुमने इन बेकार के कामों के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। महर, बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम मुझे केक्स और पेस्ट्रीज खाने के लिए बुला रही हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस बुरी शक्ति को ढूंढने की, और तुम मुझे इन बेकार के कामों के लिए बुला रही हो। खबरदार मैं, खबरदार मैं, खबरदार मैं।
अगर आज के बाद तुमने इन बेकार के कामों के लिए मुझे बुलाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझी? लड़की तू क्या समझती है, अगर तूने बालवीर से सच छुपाया तो मैं अपना शिकार छोड़ दूंगी? ये दोनों बच्चे मेरा शिकार है और मैं अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। रानी परी, हमने परी लोग को चारों ओर से सुरक्षित कर दिया है। शुक्रिया नाराज परी। रानी परी, ये देखिए हमें नटखट परी की प्रयोगशाला से क्या मिला है। ये क्या विचार परी? ये दिशा सूचक यंत्र है। इस दिशा सूचक यंत्र को कालचित्र यंत्र के आधार के साथ जोड़ने से हमें ये पता चल सकता है कि कालचित्र यंत्र का प्रयोग किस स्थान पर हो रहा है। चलिए इस दिशा सूचक यंत्र को कालचित्र यंत्र के आधार के साथ जोड़ देते हैं। हाँ विचार परी, जल्दी कीजिए। भी व्यक्ति के खरगोश बनने का संकेत आएगा। इस दिशा सूचक यंत्र से हमें ये पता चलेगा कि ये घटना कहाँ घटित हो रही है। ग्रीन विलेज होटल मुंबई। परियो, क्या हुआ रानी परी? बालवीर, दरअसल बात यह है कि ग्रीन विलेज होटल भाई। परियो, रानी परी, मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। क्या? हाँ, मैं अभी अभी ग्रीन विलेज होटल में ही था। मेरे आसपास ही बच्चों को खरगोश बनाने की प्रक्रिया चालू और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेहर भी मुझे इसी के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो बता नहीं पा रही थी। मैंने बेकार में मेहर को इतना सारा डांट दिया। मुझे तुरंत ही ग्रीन विलेज होटल जाकर मेहर से मिलना होगा। रानी परी, परी, मुझे इस उलझी हुई कहानी का एक सिरा तो मिल गया है।
अब मैं पता करके ही रहूंगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रानी परी, मुझे आज्ञा दीजिए। जी बाली, जल्दी जाइए और पता लगाइए। भागना है लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। खाकरी आज तुझे पकड़ कर ही रहेगी। ये बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। सबसे पहले मुझे मेहर को ढूंढना है। मेहर, चित्र मत खींचो, इससे तो मैं अलग सजा दूंगी। जुबान चलती है ना तेरी, तुझे तो मैं ऐसी जगह भेजूंगी कि तू हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। मेहर, मेहर, पता नहीं कि मेहर कहां चली गई। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।